తనది మరీ వెనుకబడిన కులమని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. ఇవాళ యూపీలోని కన్నౌజ్లో జరిగిన బహిరంగ సభలో ఆయన మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా మాయావతి అఖిలేష్ కూటమి చేసిన వ్యాఖ్యలను మోదీ తప్పుపట్టారు. మోదీది ఫేక్ ఓబీసీ సర్టిఫికెట్ అని ఎస్సీ బీఎస్పీ నేతలు ఆరోపించారు. దానికి ఇవాళ మోదీ కౌంటర్ ఇచ్చారు. నేనెప్పుడూ నా కులం గురించి మాట్లాడలేదని, కానీ మహాకూటమి నేతలు మాత్రం కులం గురించి మాట్లాడే విధంగా రెచ్చగొడుతున్నారని, నేను వెనుకబడిన వ్యక్తిని కాను కానీ కటిక వెనుకబడిన కుటుంబంలో పుట్టినట్లు ప్రధాని మోదీ తెలిపారు. ऐसे वादे नहीं करते कि जिसके कारण जनता बेचारी बेचैन हो जाए, वरना ऐसे भी लोग हमारे देश में है, ऐसे बुद्धिमान ऐसे तेजस्वी लोग है, वो आलू से सोना बनाते हैं, वो काम हम नहीं कर सकते भाई, माफ करना, मैं आलू से सोना नहीं बना सकता, न मेरी पार्टी बना सकती है, और इसलिए जिसका मन करता है आलू से सोना बनाना वो जरूर उनके पास चले जाए, हम आपको ये वादा नहीं दे सकते और न ही हम ये वादा निभा सकते हैं, हम झूठ नहीं बोल सकते जी, हम तो जो कर सकते हैं इतना बताते हैं कि हम कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे, हम आलू का वैल्यू एडिशन करने के लिए काम करेंगे, आलू से चिप्स बन जाए, बीजा बाजार में बिक जाए, हम ऐसे काम करेंगे भाई, जो आप भी समझते हैं मैं भी समझता हूं, आपको उपज का सही दाम भी मिलेगा और देश को विदेशी मुद्रा भी मिलेगी। भाइयों और बहनों, आपके इस चौकीदार की नीयत और नीति बिल्कुल साफ है, हम किसानों को हर वो सुविधा देना चाहते हैं जिससे उनकी आय दोगुनी हो सके। इसी कड़ी में हमने पीएम किसान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत यूपी में 1.25 करोड़ से अधिक परिवारों के खाते में पहली किस्त के पैसे आ भी चुके हैं। जिनको अभी तक नहीं मिले हैं उनको जल्द ही मिलने वाले हैं। और एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि पैसे आपके हैं, ये पैसे आपके हैं, ये पैसे आपके हक के हैं, ये आपको लौटाने नहीं पड़ेंगे। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि चुनाव के बाद मोदी ले लेगा, ये अफवाह फैलाने में एक बात है, वो ये तो मान लिया है कि 23 मई को फिर से मोदी की सरकार बनेगी, ये तो मान लिया है उन्होंने। अब मैं वादा ये करता हूं, ये पैसा जो दिया है वो